तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट वीडियो की ओर, जिसका नाम है नीड ऑफ एमटीपीज। अब एमटीपीज की जरूरत क्यों है, प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट कराना क्यों है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी, उसको प्रिवेंट करने के लिए, कोई प्रेगनेंसी हो गई है बट वो चाहिए नहीं थी तो उसकी प्रिवेंशन के लिए भी एमटीपीज परफॉर्म किए जाते हैं। उसके साथ ही साथ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल टू बोथ मदर एंड बेबी। अगर बार बार कोई मदर प्रेग्नेंट हो रही है तो वो मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी, दोनों के लिए ही हार्मफुल है, इसीलिए उस केस में भी हम एमटीपी को परफॉर्म करते हैं। तो ये जो एमटीपीज हैं, इनको कराना सेफ कब है, मदर के लिए कब सेफ है कि हम एमटीपी को उनकी बॉडी में परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर होता है या फिर जो 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी होते हैं स्टार्टिंग के, उसके अंदर ही अंदर आप एमटीपीज को परफॉर्म करा सकते हैं, उसके बाद वो हार्मफुल हो सकता है। अब इनको परफॉर्म कौन करता है, तो इनको परफॉर्म करते हैं क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल ही, सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर्स ही एमटीपीज को परफॉर्म कर सकते हैं। एंड वो रेस्ट्रिक्ट करता है फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन को, मतलब क्या, फीटल का सेक्स डिटरमाइन नहीं करा सकते कि वो लड़का है या लड़की है। आपको अगर एमटीपी परफॉर्म कराना है तो बिना फीटल सेक्स डिटरमाइन कराए ही आप एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं, और ऐसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन करना इंडिया में बैन है।